بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سیشن کا، جو کہ رسٹ کے اوپر جو ہے ہمارا سیشن نمبر 11 ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کل کے سیشن کے حوالے سے اگر کوئی کوشچنس وغیرہ ہیں تو آپ بلا تکلف پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم آج کا سیشن کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہم اس چیپٹر نمبر 4 کے جو کنٹینٹس سلائڈس میں دیے ہوئے ان کو کور اپ کر لیں. اگر کل کے حوالے سے کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے آنرشپ اینڈ اے فنکشن. سب سے پہلے یعنی کہ فنکشنس کے اندر آنرشپ کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل سیم اسی طرح سے مینیج ہو رہا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم کسی ویریبل کے اندر آنرشپ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. سیم وے فنکشن کے اندر بھی اسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آنرشپ کے حوالے سے ٹیکل ہوتی ہیں. تو جب ہم کسی فنکشن کو کوئی ویلیو ایز اے پیرامیٹر پاس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنرشپ بھی ساتھ ہی ساتھ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اگر وہ ہی بیسڈ ویریبل ہے نا، اور اگر وہ اسٹیک بیسڈ ہے تو جس طرح اسٹیک کاپی ٹریڈ استعمال کرتا ہے تو اسی طرح اگر ہم اسٹیک کو اسٹیک بیسڈ کسی ویریبل کو فنکشن میں پاس کریں تو وہ بھی کاپی ٹریڈ ہی ہوگا. اور اگر ہمارے پاس جو ویریبل ہے وہ ہیپ بیسڈ ہے تو ہیپ بیسڈ جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ چونکہ موو ٹریڈ استعمال کرتے ہیں. یہ کاپی ٹریڈ اور موو ٹریڈ یہ کل ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو اگر آپ کسی ہیپ بیسڈ ویریبل کو فنکشن میں پاس کریں گے تو وہ موو ہو جائے گا. یہاں ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم اپنی ایگزامپل شیئر کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر سر والے یا جو سلائیڈ والا کوڈ ہے اس پہ جائیں گے. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں اپنی پروگرامنگ اسکرین کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ہمارا وہ کچھ کل والا کوڈ لکھا ہوا تھا، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور نئے سرے سے کچھ کوڈ لکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں let x is equal to 5 اور ہم کہتے ہیں ایک نیا فنکشن بناتے ہیں جس کے اندر ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں copy trade function. اور یہ my num ریسیو کر رہا ہے جس کی ٹائپ ہے i32. تو جناب، یہ ہم نے ایک سادہ سا فنکشن پروگرام کر لیا. اس میں ہم نے کیا کیا کہ ایکس ایک ویریبل ڈکلیئر کیا
इसकी टाइप चूंकि डिफॉल्ट I32 होते हैं, तो डिफॉल्ट में I32 डिफाइन हो सकती थी, लेकिन बहरहाल हमने खुद से असाइन कर दी और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी, हमने इनिशलाइज कर दिया इसको 5 वैल्यू से। तो एक वेरिएबल बन गया x जिसकी टाइप है इंटीजर 32 और इसका अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 5 है। उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवा लिया, प्रिंट आउट करवा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था कॉपी ट्रेड फंक्शन। तो हमने क्या किया कि हमने कॉपी ट्रेड फंक्शन को कॉल किया और उसको एक्स की वैल्यू या एक्स को उस कॉपी ट्रेड फंक्शन में भिजवा दिया और उसके बाद उस फंक्शन से जो भी प्रोग्राम उसके अंदर कोड हुआ उस फंक्शन के अंदर, उससे वापसी के बाद हमने दोबारा से अगेन प्रिंट करवाया एक्स को और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। और जब हम यहाँ पे कॉपी ट्रेड फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें क्या होगा कि कॉपी ट्रेड फंक्शन के अंदर भी एक प्रिंट एलन की स्टेटमेंट लगी हुई है और जो उसको जो भी वैल्यू पास ऑन हो रही होती है इस फंक्शन को उसको वो प्रिंट कर देता है इस टैग के साथ कि वैल्यू इन कॉपी ट्रेड फंक्शन इज दिस, ठीक है। तो एक सिंपल सा हमारा बिल्कुल प्रोग्राम है रस्ट का। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम चलते हैं अपनी कमांड लाइन पे, उसको चला के देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो आप सबके लिए मैं जरा साइज बड़ा कर दूं। ओके जी, क्या गलती कर दी। ओके फाइन, हमने इसके शुरू में FNA लिखा था, सॉरी। जी जनाब, क्लियर करता हूँ मैं और दोबारा चलाता हूँ। तो ये देखें जी क्या हो रहा है कि प्रोग्राम रन हुआ, रन करने के बाद इसने सबसे पहले तो वैल्यू इन मेन फंक्शन इज 5 ये वाला स्ट्रिंग मतलब डिस्प्ले किया, प्रिंट एलन किया। उसके बाद हमने एक फंक्शन को कॉल करवाया था, तो फंक्शन में हमने एक्स भिजवा दिया था, तो एक्स की वैल्यू जो फंक्शन में गई तो उसने फंक्शन के अंदर रहते हुए उसको प्रिंट करवाया कि वैल्यू इन कॉपी ट्रेड फंक्शन इज, और आगे जो भी वैल्यू थी उन्हें थी। और जब प्रोग्राम वहां से वापस आया तो हमने फिर दोबारा से अगेन वाली जो प्रिंट एलन की स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट करवाई। हम कोड पे चल के देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एरर क्या आया था। तो एरर ये आया था कि मैंने ये जो FN है ना ये नहीं लिखा था, ये मैं लिखना भूल गया था, ठीक है, इसकी वजह से एरर आ रहा था। तो आप ये ना समझे कि पता नहीं क्या एरर था, एक्चुअली FN का कीवर्ड मिसिंग था, इसकी वजह से एरर दे रहा था। मैंने ये सिंपल FN डाल दिया और फिर दोबारा कंपाइल किया तो प्रोग्राम चल पड़ा था। सो अब देखिए हो क्या रहा है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपी ट्रेड की, कि एक्स चूंकि एक I32 टाइप का वेरिएबल है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और हमने कल पढ़ा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं वो कॉपी ट्रेड इस्तेमाल करती हैं जब उनको मूव किया जाता है। तो हमने किया ये कि हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट की, उसके बाद एक्स को किसी फंक्शन में मूव कर दिया। अभी चूंकि एक्स कॉपी ट्रेड पे काम होते हैं तो एक्स या एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है ये कॉपी ट्रेड के मुताबिक कॉपी हुई, यानी कि एक्स अपनी जगह बरकरार रहा और उसके अंदर जो वैल्यू थी वो कॉपी कर दी गई यहाँ इस फंक्शन की तरफ। फंक्शन ने उस वैल्यू को रिसीव किया माई नम नाम के वेरिएबल में और फिर उसने माई नम को प्रिंट कर दिया। माई नम को प्रिंट करने के बाद ये फंक्शन खत्म हो गया। जब ये फंक्शन खत्म हुआ तो क्या हुआ कि इस जगह के ऊपर पॉप कॉल हुआ फॉर माई नम वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जना पॉप कॉल हुआ, तो अब रैम में से माई नम नाम का वेरिएबल गायब हो गया। जब ये गायब हो गया उसके बाद ये कंट्रोल अब इस लाइन के ऊपर आ गया होगा। इस लाइन के ऊपर जब हमने दोबारा से एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश की तो कोई एरर नहीं आया कि एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। प्रिंट क्यों हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से ये कॉपी ट्रेड इस्तेमाल करते हैं, तो एक्स की वैल्यू को जब हमने यहाँ फंक्शन में मूव करवाया था तो वो एक्स अपनी जगह पे बदस्तूर कायम रहा था और साथ साथ
यहाँ फंक्शन को भी प्रोवाइड हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये चूंकि इसके बाद कोई प्रोग्राम के अंदर मजीद कोड नहीं है, प्रोग्राम खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉप कॉल हो जाएगा एक्स वेरिएबल के लिए और एक्स वेरिएबल जो है वो मेमोरी में से वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉपी ट्रेड की एग्जांपल। अब हम इसी तरह की कुछ हरकत करते हैं किसके लिए, हम कर लेते हैं अपने वो जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं लेट y इज इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रॉम ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लिया जिसका हमने लिखा वाई, उसके अंदर वैल्यू दे दी पाकिस्तान, तो जनाब जिस तरह से हमने x की वैल्यू, x जो कि एक इंटीजर वेरिएबल था, जैसे हमने उसकी वैल्यू मूव करवाई थी एक फंक्शन में, कॉपी ट्रेड फंक्शन में, उसी तरह हम एक और नया फंक्शन बनाएंगे मूव ट्रेड फंक्शन, और इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि जो y वेरिएबल है हमारा स्ट्रिंग टाइप का, इसकी वैल्यू पास करके देखेंगे कि इसमें इसी तरह की थीम के ऊपर अगर हम बजाय इंटीजर के या प्रिमिटिव डेटा टाइप के अगर हम स्ट्रिंग फॉरवर्ड करें तो ये प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है। ये प्रोग्राम हमें शो करेगा स्ट्रिंग का मूव ट्रेट बिहेवियर इन द फंक्शन और इंटीजर या प्रिमिटिव टाइप्स का कॉपी ट्रेट बिहेवियर। यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं मूव ट्रेट फंक्शन जो कि एक रिसीव कर रहा है वेरिएबल जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, जनाब यहाँ पे गौर करें हमने क्या किया, एक वाई नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने पाकिस्तान नाम का स्ट्रिंग कॉपी कर दिया वैल्यू के तौर पे, फिर हमने उस वैल्यू को प्रिंट करवा लिया वाई वेरिएबल की, फिर हमने मूव ट्रेड फंक्शन कॉल करवाया और उसके अंदर हमने वाई को पास कर दिया बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह यहाँ पे हमने कॉपी ट्रेड फंक्शन कॉल करवाया था और उसके अंदर एक्स की वैल्यू कॉपी की थी। मूव ट्रेड फंक्शन में वाई जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे पास ऑन करवा दी, ठीक है। और जब इस फंक्शन से होकर वापस आए कोड तो हमने दोबारा से ट्राई की कि वाई की वैल्यू को दोबारा से प्रिंट करवा के देखें कि वो एक्सेसिबल है कि नहीं, और ये जो मूव ट्रेड फंक्शन था यहाँ से जब हम इसको कॉल करते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि ये जो वाई की वैल्यू थी ये इस फंक्शन को मिलती थी, वो इसको माई स्ट्रिंग में शो कर सेव करता था और उसके ऊपर वो माई स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करवा देता था। अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि हमें कोई एरर आता है या ये सक्सेसफुली चल पड़ता है। तो जनाब चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो की तरफ।
तो ये देखें, जो ही हमने इसको चलाया तो इसने हमें एरर दे दिया, और इसने एरर कहाँ पे दिया, ये देखें ये रेड कलर का ये जो निशान है ये एरर का निशान होता है, ये बता रहा है कि इसने हमें जो एरर दिया वो लाइन नंबर 11 पे दिया, और एरर उसने ये दिया कि वैल्यू बॉरोड हियर आफ्टर मूव, कि जनाब आप मूव करवाने के बाद ये वैल्यू जो है ना एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं अपने कोड में और मैं आपको बताता हूँ कि हमसे क्या गलती हो रही है या हम क्या इशू क्रिएट कर रहे हैं। देखें, y एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं इनका डाटा मूव ट्रेड फॉलो करता है, यानी कि जब आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में साइन करते हैं तो वो कॉपी नहीं होती, वो मूव हो जाती है, और पहला वेरिएबल जो होता है वो एक तरह से रैम में इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो हो ये रहा है कि यहाँ पे y वाले फंक्शन में क्या हो रहा है कि मूव ट्रेड हो रहा है फॉर y, और y इज नो मोर वैलिड। इस स्टेटमेंट से ऑनवर्ड अब y वैलिड नहीं रहा, इसी वजह से जब हम इस अगली स्टेटमेंट में y को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं तो y तो इनवैलिड हो चुका है, तो इसकी वजह से फिर हमें एरर आ रहा है। अगर हम इस वाली लाइन को अगर हम कमेंट कर दें तो अब ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अभी हम इसको चला के देखते हैं, चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो पे। तो ये देखें, ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही कवर हो गया, रन हो गया। तो रीजन क्या बनी थी, वही कॉपी ट्रेड वाली रीजन थी, जैसे हमने कल वेरिएबल की एग्जांपल में देखा था उसी तरह से अब यहाँ पे भी हो रहा है कि जब आप किसी फंक्शन में स्ट्रिंग या हीप बेस्ड वेरिएबल को पास ऑन करवाते हैं तो एक्चुअली वो मूव ट्रेड कॉल होता है, और मूव ट्रेड कॉल होने की वजह से फिर वो जो ही आप किसी फंक्शन के अंदर कोई हीप बेस्ड वैल्यू को जो ही पास करवाते हैं उसके बाद से वो वेरिएबल इनवैलिड हो जाता है, और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और मूव ट्रेड में क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे उसको वो वैल्यू पास हो गई ओनरशिप समेत, और जो पिछला वेरिएबल था वाई वाला वो यहाँ पे आके इनवैलिडेट हो गया। यहाँ पे जो नया वेरिएबल था माई एस टी आर, ये अब ऑनर है उस वैल्यू का, पाकिस्तान नाम की वैल्यू का, ये उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद जो ही ये फंक्शन ख़त्म होगा तो यहाँ पे ड्रॉप कॉल्ड होगा इसके लिए, माई एस टी आर नाम के वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो जनाब ये है जी हमारा सारे का सारा कोड, और अब हम चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर वापस और देखते हैं कि स्लाइड में हमारा इसी तरह से रिलेटेड कोड जो है वो क्या कह रहा है। तो जनाब ये है हमारा स्लाइड का कोड, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक फंक्शन है मेन, उसके अंदर ये एक स्ट्रिंग एस नाम का डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू सेव हो रही है हेलो की। उसके बाद एक फंक्शन कॉल हो रहा है टेक्स ऑनरशिप का, और उसको वैल्यू पास ऑन हो रही है एस की। देखें यहाँ पर क्या होगा, इस जगह के ऊपर ये जो s वेरिएबल है इसके अंदर जो हेलो नाम की वैल्यू पड़ी है, अब इस हेलो का जो ऑनर है वो s से खत्म होकर यहाँ टेक ऑनरशिप के अंदर जो सम स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल हमने बनाया ना, इस सम स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल को हेलो की ऑनरशिप मिल जाएगी, और s के अंदर से एस के पास से वो ऑनरशिप खत्म हो जाएगी, और एक तरह से एस यहाँ पे इस लाइन के बाद इनवैलिड हो जाएगा। तो चूंकि कंट्रोल मूव हो चुका है हमारा इस टेक ऑनरशिप वाले फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ये प्रिंटलन होगा सम स्ट्रिंग, उसके बाद जो ही ये फंक्शन खत्म होगा तो इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉप कॉल होगा, और ये जो सम स्ट्रिंग है ये भी रैम में से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यहाँ अगले लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसकी ज़ाहिर डिफॉल्ट टाइप क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं हुई हुई तो i32 होगी, तो एक i32 टाइप का वेरिएबल क्रिएट होगा रैम में जिसके अंदर वैल्यू होगी 5। उसके बाद एक फंक्शन कॉल होगा मेक्स कॉपी, और इसके अंदर x की वैल्यू भिजवा दी जाएगी। अब क्या है कि चूंकि ये एक प्रिमिटेड डेटा टाइप थी तो इसकी वैल्यू कॉपी ट्रेड के थ्रू फंक्शन में मूव होगी, और उसके बाद
कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वो जो एक्स की वैल्यू थी वो सम इंटीजर नाम के वेरिएबल के अंदर रिसीव होगी। उसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट एलन करेगा सम इंटीजर की वैल्यू को, उसके बाद फंक्शन खत्म हो जाएगा। जब ये फंक्शन खत्म होगा तो यहाँ पे पॉप कॉल होगा सम इंटीजर नाम के वेरिएबल के लिए इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंट्रोल यहाँ से वापस इस लाइन के बाद आ जाएगा। इस लाइन के बाद चूंकि मजीद कोई कमांड नहीं रही इस प्रोग्राम के अंदर, तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और जो ही ये खत्म होगा तो इस वक्त करंटली रैम में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल पड़ा हुआ है एक्स। तो यहाँ पे एक्स के लिए पॉप कॉल हो जाएगा और एक्स भी रैम से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे यही चीजें थोड़ी सी जो हमने जबानी एक्सप्लेन की हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। इस लाइन के अंदर उसी कमांड मतलब उसी प्रोग्राम की इस लाइन में यहाँ पे ना तो भी एक्स डिक्लेयर हुआ है ना ही एक्स डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, दोनों रैम में अवेलेबल नहीं है। इस लाइन में जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक एस नाम का वेरिएबल बन गया जिसके अंदर वैल्यू आ गई हेलो की। फिर यहाँ पे जो हमने टेक ऑनरशिप को कॉल किया और उसके अंदर एस की वैल्यू को पास किया, तो एस चूंकि मूव स्टेट फॉलो करता है तो यहाँ पे एस मूव हो गया, यानी कि एस यहाँ से गायब हो गया और इस ऑनरशिप वाले फंक्शन में एस को मूव कर दिया गया। फिर उसके बाद इस लाइन में लेट एक्स इक्वल टू 5 में एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है रैम में एक्स i32 टाइप का। और उसके बाद जब इसके बाद यहाँ फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स कॉपी हो गया। कॉपी क्यों हुआ है, इसलिए कि एस एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर मुश्तमिल वेरिएबल था, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती हैं वो डिफॉल्ट में कॉपी ट्रेट यूज करती हैं। ठीक है, और ये जो रिसीविंग साइड है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे सम स्ट्रिंग के अंदर वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो एस से आ रही थी वो यहाँ पे रिसीव हुई थी, वो यहाँ प्रिंट एलन हुई। और उसके बाद जब ये फंक्शन खत्म हुआ तो वो जो सम स्ट्रिंग था उसके लिए ड्रॉप कॉल हो गया। इसी तरह से जो ये जो मेक कॉपी वाला है इसके अंदर चूंकि इंटीजर टाइप की एक वैल्यू आ रही थी i32 टाइप की, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि वहां से जो भी वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू इसको प्रोवाइड की गई वो इसके अंदर आके कॉपी हुई, उसने उसको प्रिंट करवाया। और प्रिंट करवाने के बाद जो ही ये फंक्शन खत्म हुआ तो यहाँ पे वो जो सम इंटीजर नाम का वेरिएबल था ये पॉप हो गया। ठीक हो गया, और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे अब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो यहाँ पे एक्स पॉप हो जाएगा इस जगह के ऊपर। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो आप काइंडली पूछ ले, वरना हम देखने लगे हैं। ये तो हमने एज ए पैरामीटर फंक्शन को वैल्यू पास कराई थी और उसके ऊपर देखा था कि कॉपी ट्रेट और मूव ट्रेट कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। अब हम देखने लगे हैं कि जब हम रिटर्न कर रहे होते हैं किसी वैल्यू को तो फिर क्या होता है। तो भाई रिटर्न में भी सेम वही फिनोमिना होता है कि जैसे आप किसी फंक्शन को वैल्यू पास करवाते थे एज ए पैरामीटर, तो अगर वो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू होती थी तो वो कॉपी हो जाती थी, कॉपी ट्रेट होता था। और अगर वो हीप बेस्ड डेटा टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल इनके कोई वेरिएबल होता था तो वो एज ए मूव वहां पे जाता था और पिछला वाला जो ओल्ड वेरिएबल था वो इनवैलिड हो जाता था। तो यही हाल रिटर्निंग वैल्यूज में भी होता है कि जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो अगर तो वो हो प्रिमिटिव डेटा टाइप तो वो कॉपी ट्रेट इस्तेमाल करती है, और अगर हीप बेस्ड डेटा टाइप हो तो वो ऑब्वियसली क्या करेगी, वो मूव ट्रेट इस्तेमाल करेगी। और खैर जब आप किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो आपको पता है कि साथ ही फंक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो जो कॉपी ट्रेट भी इस्तेमाल कर रही होती है उसको भी फायदा इसलिए नहीं होता कि जो ही फंक्शन खत्म होता है तो वो जो फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल होते हैं वो सारे पॉप हो जाते हैं। इवन कॉपी ट्रेट होने के बाद भी बावजूद भी जब फंक्शन एंड होता है तो उसके बाद आप
उस फंक्शन के अंदर अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल हों तब भी उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर है आपका फंक्शन रिटर्न करने के बाद फंक्शन ख़त्म हो चुका होता है, और जो ही फंक्शन कोई ख़त्म होता है तो उसके जितने भी वेरिएबल होते हैं वो रैम में से पॉप या ड्रॉप एज पर देयर नेचर वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल उन्होंने दी भी है रिटर्निंग वाली। तो जनाब ये देखिए, हमने कहा एक वेरिएबल है जिसका नाम है S1, और S1 को कोई वैल्यू मिल रही है गिव ओनरशिप के फंक्शन से। तो जब प्रोग्राम का ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि प्रोग्राम इस गिव ओनरशिप के फंक्शन में चला जाएगा, इसको चलाएगा। तो ये देखें जनाब, ये गिव ओनरशिप का फंक्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि FN गिव ओनरशिप, और ये बता रहे हैं कि ये एक रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक सम स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, उसके अंदर वैल्यू आ रही है हेलो की, और उसके बाद ये फंक्शन सम स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। अब जो ही ये इस लाइन पे पहुंचेगा तो क्या होगा कि सम स्ट्रिंग के अंदर जो भी डाटा है, लाइक उसके अंदर हेलो लिखा हुआ था, वो कॉप मूव ट्रेड इस्तेमाल कर लेगा, और सम स्ट्रिंग यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा रैम में से, और वो जो इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई थी हेलो नाम की, वो जनाब अली मूव होकर इस पॉइंट पे पहुंचेगी, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे जो कि कमांड लिखी थी लेट S1 इज इक्वल टू, और आगे ये गेव ऑनरशिप, तो इसके अंदर यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू पहुंचेगी हेलो की, वो जाके S1 में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि रिटर्न जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू कर रहा होता है और वो टाइप अगर हीप बेस्ड डेटा टाइप हो तो वो भी मूव ट्रेड इस्तेमाल करती है। उसके बाद सेकेंड लाइन है जी, लेट S2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रॉम हेलो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू सेव करा रहे हैं हेलो की। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम तीसरी लाइन है लेट S3 इज इक्वल टू टेक एंड गिव बैक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक और फंक्शन है टेक्स एंड गिव्स बैक, यानी कि ये फंक्शन का नाम है, और ये क्या कर रहा होता है, ये वैल्यू ले भी रहा होता है एज ए पैरामीटर और दे भी रहा होता है, रिटर्न भी कर रहा होता है एज ए पैरामीटर। इसको ये जो S2 है इसको मूव करवा दिया जाएगा इसके अंदर, यानी कि S2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी हेलो की, जब वो S2 इस फंक्शन को एज ए पैरामीटर प्रोवाइड किया जाएगा टेक्स एंड गिव बैक्स को, तो क्या होगा कि अब रैम में से S2 मूव ट्रेड के थ्रू अपनी वैल्यू इस फंक्शन को भिजवाएगा, और इस लाइन के बाद से अब आपका S2 रैम में इनवैलिड हो जाएगा, और S2 की जो भी वैल्यू थी जो कि हेलो थी बेसिकली, वो यहाँ पे इस टेक्स एंड गिव बैक को मूव हो जाएगी। अब ये कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे वो जो S2 की वैल्यू थी यानी कि हेलो, वो आएगी और आके ए स्ट्रिंग के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, अब S2 इनवैलिड हो गया है और ए अंडरस्कोर स्ट्रिंग जो है उसके अंदर वो वैल्यू जो थी हेलो वो आके मूव हो गई। ठीक है, उसके बाद जब ये फंक्शन के अंदर जाएंगे तो ये फंक्शन सिंपल एक ही काम कर रहा है, और वो क्या है कि ए स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। तो ए स्ट्रिंग के अंदर इसको क्या पड़ा हुआ है, ए स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ है हेलो। तो अब यहाँ पे चूंकि ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे फिर दोबारा एक बार फिर मूव ट्रेड कॉल होगा, और ए स्ट्रिंग यहाँ पे इनवैलिडेट हो जाएगा, और इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी हेलो की वो वापस यहाँ पे जाएगी कॉलिंग फंक्शन के पास, और इस जगह पे आके हेलो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो हेलो की वैल्यू होगी इस फंक्शन को चलाने का, और अब वो वैल्यू आके S3 में सेव हो जाएगी। ठीक है, ये है एक रिटर्निंग वैल्यू के हवाले से ऑनरशिप की का क्या बिहेवियर होता है, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू। तो बेसिकली जो याद रखने वाली बात ये है वो ये है, ये जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं वो कॉपी ट्रेड इस्तेमाल करती हैं, चाहे आप उनको किसी प्रोग्राम के अंदर कॉल करें एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल से, हमने लिखा था लेट एक्स इज इक्वल टू वाई या लेट S1 इज इक्वल टू S2। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉपी ट्रेड कॉल होता है अगर आपकी डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और अगर आप किसी स्टैक या प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास करें तब भी वो कॉपी ट्रेड इस्तेमाल करती है,
और अगर आप किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वेरिएबल को रिटर्न वैल्यू के तौर पर फंक्शन में इस्तेमाल करें तो इवन देन वो कॉपी ट्रेड इस्तेमाल कर रही होती है। ऑन द अदर हैंड जितनी भी हीप बेस्ड डेटा टाइप्स हैं वो जब आप उनको किसी एक फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, जैसे हमने S1 इज इक्वल टू S2 किया था, तब भी वो मूव ट्रेड इस्तेमाल करती हैं, जो पुराने वाला वेरिएबल होता है इनवेलिडेट हो जाता है। अगर आप उनको एज ए पैरामीटर किसी फंक्शन को पास करें हीप बेस्ड वेरिएबल्स को, तो तब भी वो मूव ट्रेड इस्तेमाल करती हैं और उनका जो पुराने वाला जो वेरिएबल होता है जो कि पास ऑन हो रहा होता है फंक्शन को, वो इनवैलिडेट होता रहता है। तो फंक्शन की कॉल के बाद आप उस वाले वेरिएबल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने कॉली फंक्शन में। और अगर आप उनको एज ए रिटर्न वैल्यू फ्रॉम एनी फंक्शन इस्तेमाल करें हीप बेस्ड डेटा टाइप्स को, इवन देन वो जो ओल्ड वेरिएबल होता है वो इनवैलिड हो जाता है। तो ये मूव ट्रेड और कॉपी ट्रेड का आइडिया और ओनरशिप का आइडिया, ये दोनों इंतहाई अहम बिल्डिंग ब्लॉक हैं हमारे आइंदा आने वाले चैप्टर्स के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उनके। इनको इस लेवल पर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये उसी का एनालिसिस था अलग अलग से जो हम ऑलरेडी आपको करके बता चुके हैं कि अलग अलग फंक्शंस को वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पे जरा कठिन नजर आ रहे थे, यहाँ जरा तीनों का अलग अलग एनालिसिस है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रिटर्निंग अ मल्टीपल वैल्यू। अच्छा, ऐसा है कि अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा कम, क्योंकि अभी हमारा जो पहला सेशन है एंड होने वाला है। चले हम फटाफट जल्दी से इन अगले 2-3 मिनट्स में इस वाले इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक S1 टाइप का वेरिएबल बन रहा है और उसके अंदर स्ट्रिंग एक वैल्यू पास हो रही है जो कि है हेलो की। S1 के अंदर ये जो हेलो है ना, ये जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक कैलकुलेट लेंथ का फंक्शन कॉल करवा रहे हैं और उसको S1 पास करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि कैलकुलेट लेंथ वाले फंक्शन को S1 यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है चूंकि मूव रेट है तो वो पास हो जाएगी। तो अब यहाँ कैलकुलेट लेंथ के अंदर या S के अंदर आ जाएगा क्या लिखा हुआ, हेलो। ठीक है जी, तो ये हेलो यहाँ पे मूव हो गया S के अंदर। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया लेंथ का और लेंथ के अंदर हमने क्या वैल्यू मूव करवाई, S डॉट लेंथ, यानी कि S जो भी वेरिएबल है उसका लेंथ का मेथड कॉल हुआ, len का मेथड। len का मेथड जो है ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कैरेक्टर्स थे, तो क्या होगा कि एस डॉट लेन जो मेथड है ये रिटर्न करेगा 5 गिनने के बाद कि ये जो एस वेरिएबल है इसकी क्या लेंथ है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है इसके अंदर। तो लेंथ के अंदर क्या जाके सेव हो जाएगा, 5। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम रिटर्न कर रहा है 2 वेरिएबल्स, कौन कौन से, एस और लेन। ठीक है, तो एस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एस के अंदर वही स्ट्रिंग पड़ा हुआ है जो हमारा पीछे से पास ऑन हुआ था कॉली फंक्शन से, और लेंथ के अंदर उसकी लेंथ पड़ी है जो कि अभी हमने कैलकुलेट करवाई थी इस वाली लाइन में, जो कि है 5। तो क्या होगा कि ये प्रोग्राम रिटर्न करेगा हेलो और 5। तो ये जो हेलो है वो आके अब यहाँ S2 में सेव हो जाएगा और 5 जो है वो आके लेंथ में सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारे पास द लेंथ ऑफ हेलो इज 5। ठीक है, यहाँ पे हेलो आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंड में डिस्प्ले करेगा द लेंथ ऑफ हेलो इज 5। तो जनाब यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, 10:45 में हम सेशन का दोबारा आगाज करेंगे। तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।